एक और दिन का साथ। शारदा, 40 सालों में पहली बार तुमने सम पर ये चाय का कप पटका है। नहीं, मेरा मतलब है धीरे धीरे तुम्हें भी लय की समझ होने लगी है। चाय पी लो, तुम्हारी भी समझ में कुछ चीजें आ जाएगी। इतनी कड़वी? अब एक ही पत्ती से चार चार बार चाय बनाओ तो चाय कड़वी नहीं तो क्या अमृत लगेगी। नहीं ठीक है ठीक है, फिर भी और थोड़ी शक्कर मिला देती। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, शक्कर नहीं हुई तो क्या हुआ। तुम्हारे बाप दादा ने गन्ने के खेत जो दिए हैं, देखिए जी अलमारी के सारे डिब्बे खाली पड़े हैं, चींटियां तक हमारा घर छोड़कर जा रही है। आज अगर आपने उस तानसेन से फीस के पैसे नहीं मांगे ना तो उन चींटियों के साथ मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ कैसी बातें करते हो शारदा, अब इस उम्र में तुम कहाँ जाओगे? इसी बात का तो फायदा उठाते हो तुम, कभी ये क्यों नहीं कहते कि मैं तानसेन से फीस के पैसे लूंगा। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? तुम कोशिश करना जानते तो इस उम्र में हम दोनों अकेले नहीं होते, हमारे भी दो चार बड़े बड़े। हाँ ठीक है शारदा, तुम बोलती हो तो बोलती चले जाती हो। तो मुंह पे कुछ पैसे फेंक दो, बोलना बंद कर दूंगी। गंगूबाई की 3 महीने की तनख्वाह बाकी है, आज सुबह ही बोल के गई है, कल तक अगर पैसे नहीं मिले तो नौकरी छोड़ के चली जाएगी। फिर तुम ही कर लेना झाड़ू पोछा बर्तन, फिर ये तुम्हारे आ की ताने हैं ना, ये दिल से नहीं कमर दर्द से निकलेगी। शारदा तुम कुछ नहीं जानती, तानसेन मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा दुर्भाग्य है, उस जैसे को सिखाने से खाली बैठना अच्छा है। अरे कम से कम फीस तो देता है, अगला खाना क्या मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर खाने का इरादा है? देखो मेरी बात मान लो, तुम इतने अच्छे संगीतकार हो, फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते? कल शाम को मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर भीम अर्जुन का सेक्रेटरी आया था, वो कह रहा था वो लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं, मैंने उन्हें आज सुबह ही घर पर बुलाया है। लेकिन शारदा ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है, तुम तो जानती हो इन फिल्म वालों से मुझे कितनी चिढ़ है। अरे दो चार गाने बनाकर दे दोगे उन्हें तो कौन सा बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा? नाम ना सही, पैसे तो मिलेंगे और फिर
वो लोग आ गए शायद, मैं देखती हूँ। अरे मियां जी, मुसीबतें मोल लेती हो शारदा, ठहरो मैं देखता हूँ। अरे अरे अरे, तुम दरवाजा खोलोगे तो उन्हें लगेगा तुम बेकार बैठे हो, मैं ही देखती हूँ। और जब तुम्हारे बारे में पूछेंगे ना तो मैं बोल दूंगी किसी नए फिल्म के म्यूजिक कंपोज करने में बिजी है, और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो दौड़े दौड़े मत चले आना, आराम से आना। अब इस उम्र में चला नहीं जाता, तड़के कहां से आऊंगा। एक तरह से अच्छा ही है, अच्छा ही है ना। नमस्ते नमस्ते जी, मैं जी मैं जाती हूँ ना, आइए जी, मैं पंडित जी की पत्नी। ओहो, पहले पहले माजी बैठिए ना, बैठिए। हाँ जी जी, वैसे पंडित जी घर में है ना। घर में ही है। हाँ। नए फिल्म का म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। कंपोज कर रहे हैं पंडित जी, आज भी म्यूजिक कंपोज कर दे। मुझे तो आजकल दूसरों की धुनें चोरी करने तक की फुर्सत नहीं मिलती। आप जरा पंडित जी को। हाँ, अजी सुनते हो जी। ये मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है भीम अर्जुन। पहरी पहरा पंडित जी, आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ जी। नमस्ते, लीजिए। हाँ नहीं नहीं, मैं कुछ ठंडा मंगाती हूँ। चाय ठंडी है, चाहिए तो स्ट्रॉन्ग मंगवाओ। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो क्या है, मैं थोड़ा जल्दी चला आया। वैसे आप अकेले ही आए। मैं मतलब नहीं समझा आपका। नहीं, भीम अर्जुन तो मैं वो क्या है माजी, मैंने अपने ही दो नाम रखे हैं। क्यों? ग्लैमर के लिए, ग्लैमर पंडित जी। आजकल जब तक दो म्यूजिक डायरेक्टर अपनी पेयर बनाकर म्यूजिक कंपोज नहीं करते तब तक वो फैशनेबल नहीं माना जाता। वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे पास दो कमाल के गीत हैं, मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आप अगर यहाँ मुझसे गाने कंपोज करवाने आए हैं तो प्लीज माफ करना। मैं प्लीज पंडित जी, आप एक बार गाने के बोल तो सुन लीजिए, शायद आप अपना इरादा बदल दें। देखिए आप अब इतना कह रहे हैं तो सुन लीजिए ना। ठीक है, सुना। शुक्रिया पंडित जी, सचमुच क्या कमाल का गीत लिखा है गीतकार ने। सचमुच गीतकार ने इसे लिखने के लिए 2 महीने लिए, जानते हैं आप। हाँ, और गीत लिखा है, सुनिए। हीरो हीरोइन से कहता है, हीरो हीरोइन से कहता है, तेरे इश्क में हो गया कौवा, तेरे इश्क में हो गया कौवा, और यकीन आए तो काव काव। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, है ना, है ना। लेकिन इस जालिम शायर ने अंतरे को किस कदर ट्विस्ट किया जानती है। कमाल है माजी, कमाल है। हाँ, गौर फरमाइए। अंतरे में हीरोइन हीरो का जवाब देती है, कहती है, तेरे इश्क में बन गई कुत्ती, तेरे इश्क में बन गई कुत्ती, यकीन ना आए तो बाव बाव। वाह वाह, करेक्ट। आप तो कमाल के शायर लगते हैं पंडित जी। नहीं, मैं तो यूं ही अंधेरे में तीर छोड़ रहा था। लेकिन आपके शायर ने ये शेर सिर्फ 2 महीनों में लिखा। हाँ, यकीन नहीं होता। वाव वाव, तो क्या आप देखिए भीम बलराम जी, बलराम नहीं अर्जुन, अर्जुन जो भी हो। हाँ। फिर भी मैं आपके लिए गाने कंपोज नहीं करूंगा। अब इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं एक गाना करता हूँ। हाँ। हाँ, बताइए कौन से राग में बिठाना है। बिठाना नहीं, उठाना है। और राग में नहीं, वो तो एकदम आउटडेटेड हो गया है, और आजकल पब्लिक राग गाती नहीं, राग देती है। तो फिर आप मेरे पास किस लिए आए हैं? वो क्या है पंडित जी, आजकल रिमिक्स का जमाना है। रिमिक्स? हाँ, कॉपी। लेकिन मैं थोड़ा हटके करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन गानों को ढिंचक क्लासिकल स्टाइल में कंपोज करें। ढिंचक क्लासिकल? अच्छा हुआ गुरुजी, ये सब सुनने के पहले ही आप चले गए। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके लिए कोई गाना कंपोज करना नहीं चाहता। ओहो माजी, समझाइए ना पंडित जी को, काफी पैसा मिलेगा। और तो और, हम पंडित जी और 2 सेक्सी मॉडल्स को लेकर एक म्यूजिक एल्बम भी बनाएंगे। पंडित जी यूं बारिश में धनपुरा बजा रहा है और पीछे से 2 सेक्सी बिकिनी पहनी हुई लड़कियां। एल्बम का नाम होगा पंडित का जलवा। पंडित का जलवा? पंडित का जलवा? हाँ, आप उठिए प्लीज। हाँ, आप यहाँ से चले जाइए। जी यार, उससे नहीं होगा, आप चले जाइए। पंडित जी सुनिए तो, चले जाइए, चले जाइए। आप मेरी बात, आप चले जाइए, आप
क्या 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 बोल रहे हैं? क्या क्लासिकल? धिंचा क्लासिकल? हाँ पंडित के जलवा, मैं बारिश में नाचू बिकिनी पहन के? आप नहीं, वो लड़कियां लड़कियां मैं तांकुरा में जाऊं, तांकुरा ऐसे में जाते रिमिक्स की औलाद खुश मिल गई आपके आत्मा को शांति। अब ये टाइम टेबल भी सुन लीजिए, मंगलवार को सिद्धि विनायक मंदिर, बुधवार को हनुमान मंदिर, गुरुवार को जैन मंदिर, शुक्रवार को। ये तुम क्या बाकी जा रही हो शारदा? अब कल से यही जाना पड़ेगा लंच और डिनर के लिए। शायद वो वापस आ गए। मेरे खातिर एक गाना बना दीजिए। लीजिए, आ गए आपके शिष्य तानसेन। शुरू करें। आज ये बालों की कौन सी नई स्टाइल बनाई है तुमने? सनुक की बस ये की तालियां सनम चाहिए, ये कुमार सानू कटे गुरुजी, ये करवा लिया है बस। अब मुझे सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे डांस क्लासेस तो चली रहे और आप मेरी शोमैनशिप के बारे में तो पहले से ही जानते हैं। एक बार गाना गाना सीख लूं फिर। तानसेन तुम्हारे रियाज का क्या हाल है? रियाज हाँ। उसको दुबई में नौकरी मिल गई गुरुजी। मैं तुम्हारे दोस्त के नहीं गाने के रियाज के बारे में पूछ रहा हूँ। गाने का रियाज? हाँ। वो तो बस शुरू करें। हाँ हाँ देखिए, मैं जरा बाजार जा रही हूँ और वो बात करना मत भूलना। पर हाँ, गंगू भाई आज जरा देरी से आएगी, उसका भांजा जेल तोड़कर भागा है तीसरी बार। उसकी हैट्रिक की खुशी में गंगू भाई आज पार्टी दे रही है, मैं अभी आई। हाँ गाओ। गुरुजी गलत है ये, मैं गलत बजा रहा हूं तो तुम गाओ। सरस्वती का वरदान है। आप जैसे का आशीर्वाद है पंडित जी। पंडित जी, गुरुजी आपका नाम सुनते में यहाँ चला आया आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए। गुरुजी, बेटा मेरी बहुत सालों की तमन्ना है, अगर तुम जैसा शिष्य मिल जाए तो मुझ जैसे बूढ़े पंडित का तो जीवन सफल हो जाए। गुरुजी, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? कैलाश गुरुजी। वाह, बहुत अच्छा प्यारा मीठा नाम है। बोलो कब से शुरू करना चाहते हो?
आप मुझे गाना सिखाएंगे गुरुजी? गुरुजी आप मुझे अभी इसी वक्त शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत गुरुजी, अच्छे। गुरुजी तुम कल आना। कल? हाँ। कल तो मुश्किल है गुरुजी। मुश्किल तो आज भी है। अच्छा कल नहीं आना, मतलब कल से कभी नहीं आना। जी। तिलक, अब बताओ क्या क्या सीख चुके हो अभी तक? वो बातें तो होती रहेगी गुरुजी। हाँ गुरुजी, लेकिन सच कहूं मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अरे अरे, इतना महान कलाकार और चंद पैसों का मोहताज? नहीं, अब ये नहीं होगा। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं गुरुजी। नहीं बेटा, बेटा बेटा, आपने मुझे बेटा कहा और दुख भी बांटने नहीं देते गुरुजी। देखिए गुरुजी, ना मत कहिए, मेरा एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं विदेश से माल लाता हूँ, यहाँ बेचता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम माल बेचकर पैसे बनाएंगे। नहीं लेकिन बेटा, ना मत कहिए गुरुजी, प्लीज ना मत कहिए, हम आपको बराबर का हिस्सा देंगे। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन संगीत? अरे साथ साथ संगीत भी सीख लेंगे गुरुजी। हाँ तो ठीक है। हाँ। लेकिन बेचना क्या है? चार इंपोर्टेंट चीजें हैं गुरुजी। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। सुरीले, क्या है? 250-250 ग्राम के सोने के बिस्किट्स है, तो बेचना है। क्या? मार्केट में इनकी प्राइस 4 लाख रुपया है और बेचने के बाद 2 लाख आपके और 2 लाख मेरे गुरुजी। ये मुझसे नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको बेचना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा, बेटा आप मुझे बेटा कहते हैं और बेटे का मामूली काम भी नहीं कर सकते गुरुजी। थैली खोलो, ये रख दो। और भी है? नहीं, मैं रख देता हूँ, लेकिन पहले ये पिस्तौल है, इसे आदमी मरता है। लेकिन आप, लेकिन आप इसे आपके पास रखिए। अरे तानपुरा समझिए। अरे नहीं गुरुजी, लेकिन पहले वर्किंग समझ लीजिए। ये जो है ना, ये बहुत ऐसा नाजुक बटन है, इसको दबाएंगे तो ये बाहर, ये आ गया बाहर। और दूसरी जो बात है, ये देखो, ये लोड हो गया। ओके, लोड होने के बाद ऐसा ए, ए, और ये अरे क्या सुरीली आवाज है। ये हो गया, ये फाइनल ये लीजिए। पिस्तौल? नहीं बेटा, 70 सालों में कभी गुलेल नहीं उठे मैंने, पिस्तौल से क्या करूंगा? तुम गलत जगह आए हो कैलाश बेटा। चुप! मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ऐसे कामों में तुम जैसे बूढ़े गायक के ऊपर भगवान भी शक नहीं करेगा। 48 घंटे के अंदर अंदर ये चारों बिस्किट बिकने चाहिए, समझे? नहीं तो तुम्हारे जीवन की गिनती 70 पे ही खत्म कर दूंगा, समझे क्या? गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज। आयुष्मान भव। कैलाश, कहाँ हो तुम? वापस आओ कैलाश। कैलाश, हाँ कैलाश, हाँ।
और क्या कर रहे हो? मैं समझ गई। क्या 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 भूल गए? पिछली बार राग मेघ मल्लार में गाना कंपोज करते करते तुम शॉवर के नीचे खड़े हो गए थे। हाँ, लेकिन ये तो क्या है? कान खोल कर सुन लीजिए, ये मेरा रसोई घर है, कोई रसोई घराना नहीं कि तुम गाना कंपोज करते करते किचन में कहीं भी ऊपर चढ़ जाओ। नहीं नहीं, क्या है ना शारदा, एक राग में चीज कंपोज करते करते अपनी धुन में मैं यहाँ चिकन में अपना किचन में चला आया हूँ। ऐसा कौन सा राग है जी जो आपको किचन तक ले आया? कहिए, भूख राग तो नहीं? भूख भूख नहीं, भूख। अब नीचे तो आ जाओ। तुमने ये नहीं पूछा कि घर में ताजे मच्छी की खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद इस थैली में से आ रही है। हाँ, मच्छी खरीदने गई थी क्या? अरे तुम्हारी आमदनी से मच्छी क्या, मच्छर भी नहीं खरीद सकते। लेकिन मोहल्ले में नाक तो ना कटे, कम से कम अड़ोस पड़ोस वाले ये तो समझे कि हम अभी तक नॉनवेज खाने की हैसियत रखते हैं। इसलिए मच्छी वाली से थोड़ा सा पानी लेकर इस थैले पे छिड़क कर आई हूँ। क्या क्या करना पड़ता है, और तुम बैठो रियाज करते। जी क्या हो रहा है? पहले स्मगलर, अब चोर। स्मगलर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जरा जाकर देखो ना। मैं? देखो ना। नहीं 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 नहीं, तुम जाकर देखो। मैं नहीं। ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? नहीं नहीं, वो क्या है, वो बुढ़ापे में वो सूजन आती है ना पैर को, वो इस आकार में आई सूजन। तुम और क्या कर रहे हो शारदा? आवाज तुम्हारे पैरों से आ रही है। मैं सब बताता हूँ, तुम एक्साइट मत होना। हाँ, मैं पहले से डरा हुआ हूँ, मैं बताता हूँ। एक दो तीन, सूजन चली गई। सूजन चली गई। सोने के बिस्किट, चार चार। और कैलाश ने मुझे ये सोने के बिस्किट्स दिए तोहफे में, नहीं बेचने के लिए। उसने कहा अगर मैं ये बिस्किट्स बेच दूं, वो भी 48 घंटों में, तो मुझे 2,00,000 रुपए मिलेंगे। नहीं तो 2,00,000? हाँ। इसका मतलब हम रातों रात करोड़पति। शारदा, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे हम घिनौना काम करने वाले हैं। और नहीं तो क्या। वैसे कब आया था वो भगवान का अवतार? कौन भगवान का अवतार है? वो कैलाश। और नहीं तो क्या, उसकी वजह से बाकी जिंदगी तो ऐशो आराम से गुजरेगी। कैलाश 12 बजे आया था ना, अभी ये 2 बजे है। इसका मतलब 46 घंटे है अपने पास। इसका मतलब तुम ये बिस्किट बेचने वाली हो? मैं नहीं, हम। तुम ये क्या कह रही हो शारदा? गाते वक्त अगर सुर गलत लग जाता है तो मैं डर जाता हूँ, और ये सोने के बिस्किट कहाँ से बेचूंगा? वो भी एक तरह से ठीक ही है। बिस्किट बेचते बेचते डर के मारे तुम्हें अगर कुछ हो गया तो 2,00,000 उड़ाने में मुझे कंपनी कौन देगा? मैं ही बेचूंगी। शारदा, इतना भी पैसों का क्या लालच? लालच? भूल गए इतने दिन गरीबी में कैसे काटे? शादी के बाद मुझे हनीमून के लिए आप भाईंदर ले गए थे। नाला सोपारा। अभी भी वक्त है अपने पास, पैसे मिलेंगे तो खूब घूमेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और हाँ, उस कैलाश से टच में रहना। क्यों? अरे ये 2,00,000 खत्म हो जाएंगे तो और 4 बिस्किट ले लेंगे, फिर और 4, फिर Hey!
दिस इज लाइफ शारदा, यही है असली जिंदगी। क्या मजा आ रहा है। जुकाम हो गया। सोने की एलर्जी है ना। कैसे चलेगा, कल सोने की कंसाइनमेंट आने वाली है। कितने की कंसाइनमेंट है? 800 बिस्किट। 800 भी? ठीक है, अगली बार 1600 मंगा देंगे। नहीं ना बात। पंडित जी आज कुछ सुना ही है ना। सुना क्या? नया आवाज है। कुछ तो करना पड़ेगा, उन बिस्किटों का आकार बदलना पड़ेगा, तभी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये स्मगली कमाल है। लेकिन बिस्किटों का आकार कैसे बदलोगे? उस पर कोई भारी वजन रखना पड़ेगा। क्या इस उम्र में तुम बिस्किट पर खड़ी रहोगे? गंगूबाई का भांजा आया है, मैंने उसको बुलाया है। कल तीसरी बार जैसे भाग कर आया है, मेरे हाथ में पिस्तौल देखेगा ना तो इसे तो अपना ही घर समझकर बात करेगा ना। सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघटे में बंद पड़ी ऐसी, पीछे पीछे चलती है। अंदर आओ केशव। ये चाची क्या पनौती लगा रही है, तू अंदर की बात कर रही है, अभी अभी तो अंदर से बाहर निकला हूं मैं। अरे वाह, तू मिले देखी ले और जीने को कहता है। वैसे गिटार किस पंटर का है? अरे पंटर का नहीं, पंडित जी का है। आजकल क्लासिकल म्यूजिक छोड़ के म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं। अच्छा है चाची, वैसे अपने देश में आजकल है ना दो ही चीजें बन रहे, एक बम और दूसरा म्यूजिक एल्बम। हाँ। अरे बाप रे चाची, तू तो चाची 420 निकली, क्या फिगर है, बिल्कुल जर्मन लग रही है। वैसे मेरा गोरा रंग देख के मुझे बहुत लोग जर्मन समझते हैं। ए पकाओ चाची, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तू तो एयर गन बन चुकी है, मैं इस पिस्तौल की बात कर रहा हूँ। पिस्तौल? अरे केशव, अपने धंधे में एक पिस्तौल को घोड़ा कहते हैं, इतना भी नहीं मालूम? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन ये बुड्ढा।
एक है पीसी सरकार के जमुने की तरह बैठा हुआ है। सरकार, मैं सरकार का नौकर नहीं हूँ, मैं म्यूजिक का टीचर हूँ। अरे इस बार तो तू बड़ा धट्टा कट्टा बन के आया रे, बड़ा लंबा हाथ मारा था क्या? वो क्या चाची, पहली बार जेल का खाना खा के अपन का वजन बढ़ गया। जेल में एक रसोईया है, क्या खाना बनाता है साला। मुंह से गाली ही तो निकली है ना, तो इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है? अपने लाइन में गालियों के बगैर काम नहीं चलता। पहले मुझे ये बता, तू जेल से भागा कैसे रे? बहुत लंबी स्टोरी है चाची। जेल का जो दीवार होता है दीवार, उसको जो नीचे खड्डे करके पहली बार भागा मैं। और दूसरी बार? दूसरी बार भी उसी खड्डे से भागा मैं। और तीसरी बार? तीसरी बार भी सेम खड्डे से भागा। अब ये लोग खड्डे का सभ्य बन गया है। अभी अपने गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ पर है खड्डे वड्डे ठीक करने के लिए? ठीक कहता है। अरे रस्ते के खड्डे ठीक करने के लिए पैसे नहीं है, जेल के खड्डे कहाँ से ठीक करेंगे? अच्छा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्यों, गंगू माँ से काम पे नहीं आए क्या? अरे वो टाइप का काम नहीं, तेरे टाइप का काम है। मेरे पास 4 सोने के बिस्किट है। सोने के बिस्कुट? धीरे बोल, धीरे बोल। अपने धंधे का उसूल है, काम की बात कम से कम आवाज में होनी चाहिए। सोने की बिस्कुट? भूलना मत, दीवारों के भी कान होते हैं। तू अगर ये बिस्किट मेरे लिए बेच देगा तो अपन तुमको 50,000 रुपए। 50 डन। लेकिन चाची अपनों को नहीं जमेगा। क्यों, खड्डा बंद हो गया? नहीं नहीं, क्या है, अपन ने अपने आइटम लोग को वादा किया है। हाँ? सरला कमला और ये विमला को वादा किया कि आज से अपन सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। पगले, सोना भी तो सच्चा है। वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया चाची। तू ऐसा करना, खुद जाना। मैं? लेकिन किधर? वो मैं बताऊंगा किधर क्या करने का, तेरे को मैं बताऊंगा। हाँ? तू जाएगी ना, किसी को शक भी नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं ही चली जाऊंगी। हाँ, कौन? रिश्ते में तो तुम सबकी माँ लगती हो। नाम है मिसेस शाह। मिसेस देसाई। अरे तू अंदर कहाँ आ रही है? मैंने महिला आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया है। मैं चंदा मांगने नहीं आई हूँ, मैं कुछ बेचने आई हूँ। मैं परेशान हूँ, मैं तुमसे 5 मिनट भी बात नहीं कर सकता। मुझसे 5 मिनट बात ना करने से आपका 4,00,000 रुपए का नुकसान हो सकता है मिस्टर आर के गुप्ता। भाई त्रिशूल का डायलॉग, लगता है बुड्ढी तो अपन के लाइन की है बाप। ठीक है पकिया, तू बाहर खड़ा रहे, तुम बैठो, लेकिन 5 मिनट याद रखना। देखिए आपको जो कहना है कह दीजिए, ये सब अपने ही लोग हैं। वो बाहर खड़ा है वो पकिया भाई, ये गणेश भाई, और ये इन सब का भाई अभी भाई। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये तीनों भाई हैं। कितने अलग अलग दिखते हैं ना, सौतेले है। अब धंधे की बात, सेठ जी मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप खरीदना चाहे। दो बाटली फिनाइल दे दो। फिनाइल? फिनाइल नहीं, सोने के बिस्किट्स। सोने के बिस्किट? पहला डोर टू डोर सेल्समैन देखा जो सोने के बिस्किट बेचता है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो सीधे आप ही के यहाँ चली आई। आप 2 नंबर का माल खरीदते हैं ना? ये 250-250 ग्राम के 4 सोने के बिस्किट्स, कुल मिलाकर इसकी कीमत 4,00,000 रुपए है। इसकी क्या जरूरत है माजी, ये पिस्तौल हटा दो। ये चलती भी है क्या? अरे दौड़ती भी है। देखो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आप बैठो यहाँ पर, मैं अभी आया। वैसे आप तीनों भाई एक ही धंधा संभालते हैं? हाँ, लेकिन हम तीनों ने अलग अलग एरिया में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। वैसे ये पिस्तौल जर्मन है ना? हाँ, इसका ये बटन दबाते ही ये मैगजीन मक्खन के माफिक नीचे आता है, फिर ये ऐसे खटक एंड बूम। बहुत अच्छे, लेकिन आपको जर्मन पिस्तौल नहीं खरीदना चाहिए था। क्यों? आखिर देश प्रेम भी तो कोई चीज होती है ना, बी इंडियन बाय इंडियन। वैसे भी हमारी बिरादरी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, उसमें भाई लोग ने तय किया था कि आपस में जो भी खून खराबा होगा उसमें देसी पिस्तौल ही वापरेंगे। ओ सॉरी, लेकिन ये मेरा नहीं है। भाई लगता है इस बुढ़िया के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है बाप। ये सोना तुमको कहाँ से मिला? आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो माजी, ये हमारा सोना है, हमारा सोना चोरी करके हम ही को बेचने आई है, इसके डेरिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ क्या कहता भूंडाल? अरे मुझे मत मारो, ये मैंने नहीं चुराया है,
मुझे किसी ने बेचने के लिए दिया है। किसने? कैलाश। कैलाश वो सही है बोलो गाने वाला कैलाश? हाँ वही। तो मेरा शागिर्द होकर मुझे उल्लू बना रहा है? शागिर्द? हाँ, वर्षों पहले वो मुझसे शास्त्रीय संगीत सीखा करता था। शास्त्रीय संगीत? तो आप गायक भी है, तब तो आपको मेरे पति से जरूर मिलना चाहिए। वैसे आप कौन से घराने से है? घर आना, अब तो आपके घर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये झगड़ा हमारा और आपका नहीं, पूरे संगीत जगत का बन चुका है। हम आपकी जिंदगी बख्श देंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? ये सोना लेकर आप घर जाइए और कैलाश के आने पर उसको कह दीजिए कि माल पहुंच जाएगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस काम की हम आपको उचित कीमत देंगे। हाँ हाँ हाँ, आपके धंधे में कितने करियर ऑप्शंस हैं, मैं ये काम जरूर करूंगी। माफ करना पंडित जी, लेकिन शिवरंजनी में मध्यम तीव्र लगता है या कोमल? नहीं, दोनों नहीं लगते बेटे। अच्छा, दोनों नहीं, मैं दिखाता हूँ जी। शिवरंजनी में जी जाने कहाँ गए वो दिन। सही है ना मास्टर जी? सही है ना? जाने कहाँ गए वो दिन। चुप, क्या बेताल बजा रहा है? अरे ये ईश्वर की कृपा है, सिर्फ 48 घंटों के लिए मुझे इसे किडनैप करना पड़ा है। नहीं कैलाश बेटा, तानसेन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे जाने क्यों नहीं देते? जाने दूं? हाँ। गुरुजी, हाँ? सोने की बिस्किट्स के बारे में इसे सब कुछ पता है। कल जब मैं आपसे प्यार से बातें कर रहा था, तब दरवाजे पे कान लगाकर ये सुन रहा था। देखा नतीजा? ये क्या बज रहा है? ये दरवाजा। हाँ जाइए प्लीज। शारदा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे माजी, माजी आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गई है, हमारी क्लास तो खत्म हो गई। हाँ? अच्छा काम का क्या हुआ? अरे पैसे बहुत ज्यादा थे ना। हाँ? तो मैंने बोला घर पर पहुंचा दो। अच्छा तो इसका मतलब है काम बट गया? अरे फिर तो जश्न होना चाहिए। पंडित जी भैरवी में कुछ सुनाइए। माल कौश पे आखिरी सुर, तूने मेरा ही माल चुरा लिया। माल पर तो मेरा ही था, तूने स्मगलिंग में नहीं संगीत पे भी मेरा फायदा उठाया। अरे रहने दे, अगर बदला ही लेना था तो यूं कायरों की तरह मेरा सोना नहीं चुराता, राग दरबारी चुरा लेता। मेरा शागिर्द होकर मुझे को ललकारता है? वो दिन गया अभी भाई, आज की तारीख में तुम्हारा कल्याण राग यमन कल्याण भी नहीं कर सकता। तुम दोनों का कल्याण तो मैं करूंगा। अरे बहादुर, तुम्हें तो गेट पर होना चाहिए था। बहादुर नहीं पुलिस, अरे इतने बड़े स्मगलरों के बेसिक्स भी नहीं समझते। हैंड्स ऑफ। इतनी जल्दी भी क्या है इंस्पेक्टर? मांगो जो मांगना चाहते हो। मुझे मांगो मुझे। अरे बोलो यार। बोल। मुझे मास्टर जी का गेम बजाना है। मास्टर जी का गेम फोर डालेगा? मास्टर जी मेरे है। ए, मास्टर जी मेरे। तू चुप करे, बढ़िया उधर जाकर बैठ। शागिर्द जी, अपने धंधे की मांडोली हम बाद में कर लेंगे, पहले इनसे निमट लें। ठीक है गुरुजी। सकिया उठा अपना हथियार, कर ले अपनी तमन्ना पूरी। बोलो पंडित, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या है? आप अपने शिष्य का गाना नहीं सुनना चाहेंगे? मेरी अंतिम इच्छा है मैं शिष्योत्तम तानसेन तन्नू मेरे लिए गाएगा, मैं मरने के पहले। गाओ, गा तन्नू गा, तेरे मास्टर जी की इज्जत का सवाल है। ये गा सकता है? हाँ। चले गा ले, फटाफट गा ले, चल। ए गा ना। मैंने उसको कहा है ना। गा ना बेटा, गा तो जल्दी गा। हाँ। गा तो गा ना, बजा ना। आ! 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 आ!
नहीं जानते मिस्टर एंड मिसेस देसाई कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी मदद की है, और सरकार ने उन गुंडों पर जो 8 लाख रुपए का इनाम रखा था ना, वो आपको दिया जाता है। 8 लाख? यस यस मिस्टर देसाई, और वो इनाम भी टैक्स फ्री। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पंडित जी। पंडित जी, इस खुशी के मौके पर कुछ जश्न हो जाए। आप राग भैरवी में कुछ सुनाइए ना। हाँ जरूर। फिर से नहीं? नहीं जी नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। शारदा, ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो। हाँ हाँ जी जी, पंडित जी है ना घर में? हाँ हाँ, अभी दे तू, एक 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 मिनट। कौन है? हेलो। क्यों रे पंडित, रईसी की खुशियां मना रहे हो? इस बुढ़ापे में क्या करोगे इतने पैसों को लेकर? हाँ, और वो सोने के बिस्किट्स, उसके बारे में तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। वो अलग, कल आदमी भेज रहा हूँ, माल उसके हवाले कर देना। आप कौन बोल रहे हैं? वो सब बताने का टाइम नहीं है, इंटरनेशनल कॉल है, बिल बढ़ जाएगा। कल सुबह को मेरा आदमी आएगा, माल दे देना। तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। 8 लाख रुपए भेज दूंगा, सोने के बिस्किट भेज दूंगा, और पिस्तौल भी। क्या पिस्तौल? हाँ, जर्मन मेड ऑटोमेटिक 32 कैलिबर। उस हथियार से गेम बजाते हैं। माफ करना पंडित जी, शायद गलत लाइन लगे ली है, तुम भूल जाओ बाप, भूल जाओ। हेलो, कौन था? रॉन्ग नंबर। सुनिए जी, शादी के बाद हनीमून के लिए तुम मुझे भाईंदर ले गए थे, अब कहीं दूर चलेंगे? हाँ, लंबी यात्रा पर जाएंगे, डोंबिवली कैसे रहेगा? धीरे हाल हाल थम से छलकती, धीरे धीरे हाल हाल थम से छलकती, मक्का